दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान और कोलकाता के बीच रोमांचक मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज राजस्थान की टीम के खिलाफ कैसे कोलकाता की टीम अंतिम ओवर में हारा हुआ मैच जीती बेईमानी कर और एम्पायर ने क्या बीच मैच में किया था, वो सब तो आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी क्या मानते हो कि इस रोमांचक मुकाबले में जीत का असली हकदार कौन था, राजस्थान की टीम या फिर कोलकाता की टीम? आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और रोमांचक मुकाबला खेला जा चुका है। इस मुकाबले में कोलकाता की टीम को अंतिम ओवर में जीत मिली। हालांकि इस मैच में हुआ ये था कि राजस्थान की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई थी और संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान की टीम का प्रदर्शन आज के इस मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छा रहा। दरअसल दोस्तों, राजस्थान की टीम ने 50 ओवर में 152 रन बनाए, जहां संजू सैमसन ने इस दौरान अर्धशतकीय पारी खेली। बाकी कोई भी अन्य बल्लेबाज संजू सैमसन से ज्यादा रन बना ही नहीं सका, जिसके चलते इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लक्ष्य मिला 153 रनों का। जहां 153 रनों के लक्ष्य की जमा में जब कोलकाता की टीम मैदान पर उतरी तो कोलकाता की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि पहले तो बाबा इंद्रजीत, एरन फिंच और सुरेश अय्यर अपना विकेट सस्ते में गवा बैठे, लेकिन फिर अंत में आकर नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी कर अपनी टीम को जीत की कगार पर पहुंचाया। हालांकि दोस्तों, इस मुकाबले में राजस्थान की टीम बड़ी आसानी से इस मैच को जीत लेती, लेकिन देखने के बाद पूरा देश भड़क उठा। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि जब 18वां ओवर करवाने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा मैदान पर उतरे थे तो उनके एक ही ओवर में लगभग एम्पायर ने कुल मिलाकर 4 वाइड बॉल दे दी, और जिसके चलते इस वाइड बॉल को लेकर काफी ज्यादा विवाद हम सभी को बीच मैदान पर होता हुआ दिखाई भी दिया। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि जो उन्होंने वाइड बॉलें दी थी वो वाइड के क्षेत्र में थी ही नहीं, और जिसके चलते एम्पायर की काफी ज्यादा आलोचना भी की जा रही थी। हालांकि इस मुकाबले को अगर राजस्थान की टीम हारी है तो वो बस मात्र एम्पायर की गलती की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो लगातार वाइड गेंदें दी उसके बाद से ही पूरा मैच पलटता हुआ हम सभी को नजर आया और खिलाड़ियों का कंसंट्रेशन भी भंग हुआ। तो ऐसे में दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि इस साल राजस्थान और कोलकाता में से कौन सी टीम टॉप ऑर्डर में आ सकती है? आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। 32 गेंदों में ही 34 रन ठोक डाले और अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया था। हालांकि उनको ट्रेंट बोल्ट ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाया, जिसके चलते केकेआर की टीम को ये तीसरा बड़ा झटका लगा। हमने नीतीश राणा के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पहले ही कर ली थी और इस मुकाबले में जीत की कगार पर कोलकाता की टीम लगभग अब पहुंची गई थी। हालांकि अंतिम ओवर में ये मैच पूरी तरह से पलट गया, बाकी आप सब यहां पर देख भी सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप सभी की क्या राय है आज के इस मुकाबले में कोलकाता की टीम के प्रदर्शन के बारे में, और आप इनके प्रदर्शन अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।